फ्रेंड, मैं विनोद आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि SBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया नियम लागू करने जा रहा है 1 जनवरी 2020 से। अगर आप ATM से कैश निकालते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा। इसके पहले अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि SBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए क्या नियम लागू करने जा रहा है। तो ये रहा आपका नियम, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अभी प्रायः सारे पेपर में आ रहा है, SBI में ATM में इस तरह का पोस्टर लगाया जा रहा है कि SBI खाता धारक ध्यान दे, 1 जनवरी 2020 से बदल जाएगा ATM से पैसे निकालने का नियम, वह अपना कार्ड कर ले तुरंत चेक। मतलब 1 जनवरी 2020 से ATM से अगर आप पैसा निकालते हैं SBI का, तो ये नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपका कार्ड तुरंत कर ले चेक। मतलब आपका SBI जो ATM कार्ड है उसको चेक करने बोला है। क्या चेक करना है? सिंपल सा आपको देखना है कि आपका जो SBI का बैंक का जो कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। मतलब अब अगर आप पैसा निकालते हैं ATM से, तो आपके फ़ोन में मैसेज आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपका फ़ोन आपके खाते के साथ लिंक नहीं किया है। तुरंत जाकर आप अपने बैंक से अपना SBI का खाता के साथ अपना मोबाइल को जोड़ लीजिए, लिंक कर लीजिए। यह न था आप दुविधा में पड़ जाइएगा 1 जनवरी 2020 से। डिटेल्स में मैं बताता हूँ ये क्या है। अगर आप 1 जनवरी 2020 से रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अगर आप ATM जाते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक अगर आप ATM जाते हैं SBI का कैश विड्रॉ करने के लिए, उस टाइम आप जब ही 10,000 के ऊपर कैश निकालने जाइएगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा। इसलिए ग्राहकों, दोस्तों, फ्रेंड, आपको अपने मोबाइल को आपके खाते के साथ लिंक करा लेना या रजिस्टर करवा लेना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप ATM से पैसा निकालने जा रहे हैं रात को 8 बजे से सुबह को 8 बजे तक, तो आपको आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल पर OTP आएंगे। जैसे ही आप कैश विड्रॉ करने के लिए 10,000 के ऊपर प्रेस करेंगे, आपके मोबाइल पर आपका एक OTP आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। वो पासवर्ड डालते ही आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। ये नियम क्यों लाया गया है, क्या ज़रूरत था इसका नियम को लाने के लिए? ये नियम SBI बैंक ने बैंक के धोखाधड़ी और सुरक्षित बैंकिंग के लिए यह नियम कदम उठाया गया है। यह नियम कस्टमरों को ध्यान में रखते हुए बैंक का धोखाधड़ी और सुरक्षित बैंकिंग के लिए यह नियम लाया गया है। यह नियम 2020 से लागू होगा। जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट से में ये ट्वीट किया गया है। ये SBI बैंक का ऑफिशियल साइट है जिसमें ट्वीट किया गया है कि इंट्रोड्यूसिंग द OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सिस्टम टू हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन एट ATM। दिस न्यू सेफगार्ड सिस्टम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2020 अक्रॉस ऑल SBI ATM। टू नो मोर क्लिक हियर। ये जैसे देख रहे हैं, बताया मैंने कि यहाँ दिया है, साफ साफ से लिखा हुआ है, SBI ऑफिशियल वेबसाइट से ट्वीट किया गया है कि ग्राहकों को सुरक्षित के लिए अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन के लिए ये नियम SBI ने लागू किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दीजिएगा कि आपका मोबाइल SBI बैंक के साथ
लिंक किया गया है कि नहीं, रजिस्टर्ड किया गया है नहीं। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड किया है नहीं है तो आप तुरंत जाइए SBI बैंक, अपने मोबाइल का मोबाइल को रजिस्टर करवा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में कैश विड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM में ही ये नियम लागू होगा, जब आप 10,000 के ऊपर से कैश विड्रॉ करते हैं रात के समय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के पास लेकर आते रहूँगा।